संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा के अंदर पंचायती राज एक्ट में दो संशोधन हरियाणा सरकार ने लाने का काम किया है, आम नागरिक को आज अधिकार दिया है कि अगर वो ग्राम सभा के तौर पर एक मत बनाकर 10% ग्राम सभा की हिस्सेदारी दिखाकर अगर अपने गांव में आने वाले समय में लिकर शॉप को हटाना चाहे तो अब उसके पास ताकत है। और उसके साथ एक महत्वपूर्ण संशोधन, जैसे विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, हर पंचायत समिति को और जिला परिषद को आज से हमने मैंडेटरी कर दिया है कि साल में दो बार मिनिमम दो दिन के सेशन बुलाने का अब वो काम करेंगे, जिससे पंचायत समिति और जिला परिषद मजबूती से अपनी वर्किंग भी और अपने फंड की डिस्ट्रीब्यूशन भी कर पाए। मुख्यमंत्री जी, एक नई तरह की सियासत शुरू हुई है विशाल हरियाणा को लेकर। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि आज भी बना दिया जाए तो आज भी क्या नहीं दिल्ली। मैं तो ये पूछता हूँ, क्या हरियाणा विशाल नहीं है? 44,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये प्रदेश इस देश के अंदर आधे मेडल लेकर आता है किसी भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में। शिक्षा के स्तर में आज, साइंस के स्तर में निरंतर बढ़ता जा रहा है। मैं तो मानता हूँ कि आज प्रदेश के अंदर अगर हम गिनती करें तो हरियाणा की अपनी विशालता है, मगर और विशाल बनाना जरूरी है। मगर उसके लिए सबसे पहले प्रदेश के युवा को, प्रदेश के भविष्य को हमें ताकत देनी। चंडीगढ़ पे संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा के अंदर पंचायती राज एक्ट में दो संशोधन हरियाणा सरकार ने लाने का काम किया है, आम नागरिक को आज अधिकार दिया है कि अगर वो ग्राम सभा के तौर पर एक मत बनाकर 10% ग्राम सभा की हिस्सेदारी दिखाकर अगर अपने गांव में आने वाले समय में लिकर शॉप को हटाना चाहे तो अब उसके पास ताकत है। और उसके साथ एक महत्वपूर्ण संशोधन कि जैसे विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, हर पंचायत समिति को और जिला परिषद को आज से हमने मैंडेटरी कर दिया है कि साल में दो बार मिनिमम दो दिन के सेशन बुलाने का अब वो काम करेंगे, जिससे पंचायत समिति और जिला परिषद मजबूती से अपनी वर्किंग भी और अपने फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी कर पाए। मुख्यमंत्री जी, एक नई तरह की सियासत शुरू हुई है विशाल हरियाणा को लेकर। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि आज भी बना दिया जाए तो आज भी क्या नहीं दिल्ली। मैं तो ये पूछता हूँ, क्या हरियाणा विशाल नहीं है? 44,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये प्रदेश इस देश के अंदर आधे मेडल लेकर आता है किसी भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में। शिक्षा के स्तर में आज, साइंस के स्तर में निरंतर बढ़ता जा रहा है। मैं तो मानता हूँ कि आज प्रदेश के अंदर अगर हम गिनती करें तो हरियाणा की अपनी विशालता है, मगर और विशाल बनाना जरूरी है। मगर